नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में, जिसका नाम है बेसिक मैथ्स क्लासेस विद विजय अग्रवाल लेसन 6। आज तक हमने पढ़ा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। हम आगे बढ़ने से पहले ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपको लास्ट 5 वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वीडियो कॉन्टिन्यूस मोड में है। आगे ये समझने के लिए आपको पिछली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं मैथोलॉजी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें क्या होता है, आपको प्लस को अगर उधर ट्रांसपोज करना है तो माइनस होता है, और माइनस को अगर उधर ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाता है, वो प्लस। ये एक दूसरे के इक्वल की तरफ मूव करते हैं। अगर इसी तरह डिवाइड का साइन उधर जाके ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई बन जाता है, और मल्टीप्लाई साइन उधर जाके डिवाइड का साइन बन जाता है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखिए, x के साथ जो प्लस 2 है, अगर उसको मैं उधर ट्रांसपोज करूँगा तो वो हो जाएगा माइनस का। तो मैं लिखूँगा x बराबर 3 माइनस 2। 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे प्लस 3 अगर उधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 2x बराबर 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2x बराबर 1। अब ये 2 जो है वो उधर ट्रांसपोज होके डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन 2 माइनस 1 अब इक्वल टू 3। माइनस 1 उधर ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। अब जो नीचे वाला 2 है वो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 कितना होता है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले आपको प्लस 2 को उधर ट्रांसपोज करना है। 3x अपॉन 4 इक्वल टू 4 माइनस 2। ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस का साइन उधर जाके माइनस हो रहा है। 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2। अब नीचे वाला जो 4 है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और 3 में से नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x बराबर 2 इंटू 4 अपॉन 3। वापस से ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला 3 है वो नीचे जा गया और 4 वाला ऊपर चला गया। 2 इंटू 4 होता है 8 अपॉन 3। समझ में आया? तो ये रहा हमारा आज का होमवर्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। धन्यवाद।